नमस्ते चले जिंदगी बनाने बन से यार यार नाम है क्या दीवाने युति हसीना से महाजबीना से बचपन में गए होंगे ना आप कभी तो फैमिली 100% तो क्या क्या ले आते थे स्नैक्स मौस खारा ये कैसा भी रहता था हाँ। खारा वो तो मालूम ना खारा हाँ, रहता मिक्स खारा। रहता हाँ। गाठियां वाठियां रहते थे शामी रोटी कैसा हाँ। भी रहता था मिर्चों का सांग कैसा भी रहता था हाँ। वहाँ जाके अगर कुछ भी काट रहे वाट रहे वगैरह वगैरह कुछ भी ऐसा है तो वहाँ पकता था नहीं तो यहाँ से प्लेन चावल तो कैसा भी लेके जाते थे अम्बाड़े की भाजी चटनी वटनी कुछ भी रहती थी ये बेसिक रहे इसके ऊपर चेंज होते रहते थे ये तो हर ट्रिप में कैसा भी रहते थे डंडीज ओनली ये सब पिकनिक ये वो सब रहता था लेज ये वो बड़े लोग क्या पैक करते थे मेरे को नहीं मालूम बहुत टाइम हो गया पिकनिक पे जाके फैमिली के साथ सो आई डोंट नो मैं बहुत छोटी थी जब बहुत जाते थे हम लोग अब तो सब मेरे खानदान वाले यूएस यहाँ चले गए तो ज़्यादा जाते नहीं इधर उधर पर जब जाते थे तो फुल क्रिकेट व्रिकेट ये सब खेल ले जाते थे आखिरी से एंड होती थी नाइट ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग जो चलते थे सस्ता और लॉन्ग लास्टिंग लंबा चलने वो ही लेता था समझो ज़्यादातर चिप्स बिस्किट तो रहते थे फिर पूरे शूइंग गम से वो बहुत लंबा रहता था उसमें जाते आते पूरा इससे पंप रहते थे वाह आते वक्त खिड़की में से स्कूल की पिकनिकों का तो बहुत अलग ही मजा था वॉकमैन में स्कूल की पिकनिक में अच्छा आया था आई डोंट नो 8th 9th की कब की पिकनिक थी ओशन पार्क से आ रहे थे हम लोग रोनन कीटिंग चल रहा था वॉकमैन में लाइफ इज अ रोलर कोस्टर जस्ट गॉट अ राइड तो वो पहला गाना है और सैवेज गार्डन का ट्रूली मैडली डीपली ये दो पहले इंग्लिश गाने हैं जो मैं पिक पिक से वापस आते खत सुना था ओ, तुम्हारे को से गाने थे यारो हम तो ठहरे परदेसी बल्कि इसके तो नहीं सुनते थे ना तुम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई लव यू भी बोल रहे तुम इस बोल रहे आई लव यू भी यारो वैसा बुरा वर्ड बुरा मतलब वैसा ऑफेंसिव जैसा एटीएमों के बाहर रश देख के बोलते रहे आज फर्स्ट है बोल के वैसा भाई को देखे तो कुर्ते में समझ जाना आज जुम्मा है बोलिए जरूर ट्रिप वीडियो बाहर निकल के शूट करना है गाड़ी में करना है अच्छा गाड़ी में करना है लेकिन फिर भी फन रहेगा वो सनस्क्रीन का शावर लेते हुए हमारा भाई ब्रो सनस्क्रीन से शावर लिए होंगे ना तुम ऑलरेडी लगा लेंगे हम और 40 मिनट्स पहले मंगाना करते आ रहे सनस्क्रीन टी शर्ट देखते ही समझ गया ब्रो आउटडोर शूट है तो कोई सी जगह नहीं छोड़ते तुम जहाँ पे नहीं ये तो मैं सिर्फ सीन में पहन रहा हूँ रोड ट्रिप में डेनिम जैकेट हो गया रणवीर सिंह जो है घी ढूंढ रहा जैसा स्क्रिप्ट में दिल खोल के डायलॉग लिखता है वैसा दिल खोल के घी डालते हुए शाहरुख और गलती कर दिया मैं धुआं आने से पहले घी नहीं डालना गाइस कभी भी एक आदमी पकाने में परफेक्ट नहीं हो सकता सरवण में फैल गया अपने पूरा फैल गया अब उन्हें क्या होता है कैसा होता पीछे का कलर क्या है उसको नहीं पलटा दे तुम कुछ भी नहीं पलटा दे मैं पलटा नहीं अभी लॉक का सवाल है टूट ना को टूट ना यस यस ओ माय गॉड वो एक आदमी इतना परफेक्ट कैसा हो सकता है गाइस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ज़ैनब कैसे हो वालेकुम अस्सलाम कैसे आ रहे हो तुम इतनी देर से अरे और थोड़ा सीधा ले लेके आना था बाजू वालों के मंगे इसके उसके मंगे करके पूरे सीधा ले लेके आना था धागे लगाते हुए अब्राहम जोनस निक जोनस के चचेरे भाई अंडे की सेफली डिलीवरी करने के बाद डबल रोटी की डिलीवरी करते हुए शारो पहले ऐसे चलते यार तुम जब ऑफिस में सेके ना जब से हम अभी सेके अच्छा दीता ब्रो डबल रोटी सेके और भोजन इसको डबल रोटी बोलते होंगे डबल रोटी कहीं बोलते होंगे हमेशा करने जाते मालूम है जब भी मैं ट्रिपों पे जाती हूँ तो मुंह में वाला आ जाते कोई खींचा वाला गुटखा खा के मुंह पे थूक देता उल्टी तरफ से आता है रो हवा फिर पूरा ऐसा उड़ते वाला मैं एक बार कर रहा था भाई की डॉग चैलेंजर में 200 के ऊपर स्पीड है साहब सांस नहीं आ रही थी खाली उड़े आ रहा था मैं हां व्लॉग में भी है और स्टोरी हो रही कुछ लिए थे अब्बा भयंकर था गाइस उसके बाद से पलान क्या लिखा लिया मालूम गाड़ी पे 210 मारने के बाद तेजी आती है मगर जान ले जाती है वैसे गाड़ी पे लिखा लेंगे फिर रहे दोनों से नो डू स्पीड बट किल्स बट किल्स खुशी लड़की इसीलिए है क्योंकि मेहनतों से रील बना रही है जैनब लेटेस्ट रील जो बनाई वो आप लोग आप बिग बॉस देख रहे हैं तो उसमें अब्दू बोल के है उसके ऊपर बनाई थी मैं तो अब भी एक नोटिफिकेशन आया मेरे को यार ऐसा होता है जब भी रील फुल वायरल हो गई तो उन लोग बुलाते लाइक
जिसकी भी रील वायरल हुई उसको, तो चलो कुछ नहीं सलमान खान से ही मिलके आ जाती हूँ मैं, ज्यादा नहीं. यू थिंक आई वुड डू गुड इफ आई गो इन बिग बॉस? थिंक आई वुड बी वेरी लड़ाकू. 100% 100,000%. ये भाई क्या जवान दिल में आ रहा भाई, बोलना नहीं चाह रहे, बोलने से डर रहे हैं अभी. नेवर रे हां भाई, छेड़े छेड़े तो बर्दाश्त कर करके फूटती बच्ची, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि जाते ही लड़ेंगी. पहले प्यार से काम, प्यार से नहीं है बोले तो कोई भी आ गया कर देंगे. रोना तो कैसा रहेगा, वो तो खुशी का रोना, गुस्से का रोना, डर के रोना, किसी को मिस करके रोना, खाना नहीं मिला तो रोना, नींद से डिस्टर्ब कर दिए तो रोना, तो 65 नहीं मिला तो रोना. अच्छा रो रो के हल्लू वो भी मान ले रही क्या, टाइटल मान ले रही थी बिग बॉस 16 के विनर है ना, थोड़ा हैदराबाद हल्के पूरा स्कूल नहीं यार. इसका हैंडल मैं बना लिया यार, गरीब आदमी. हाँ तो कलर है क्या तुम, वो चेस्टा से वो था, ये देख रहे तुम पूरा चिपक के निकला है गाइस, ये सही नहीं पटा यार. टी-शर्ट को साफ करने का बहुत तरीका है, वही बोल रहा हूँ मैं. पर तुम मनीष मल्होत्रा के इतने मिसकॉल आ गए थे शाहरुख को, उन्हें फोन करा था ये लोगों को कैसे साफ करना बता यार, बताओ इनके फोन. इंडोर सीन हो चुका है हम लोग का, बाहर आउटडोर पिकनिक में रोड ट्रिप पे जाना है पति पत्नी को, और आदमी कुछ तो जुड़ा लेते हुए क्या कर रहे यार तुम वो. मैं बाहर रोड ट्रिप पे निकला तो मैं कोई स्टोन पे ना जरूरी रहता. अच्छा तो मेरे को जान का खतरा है. ओ माय गॉड, लकी स्टोन है क्या तुम्हारे ये स्टोन जो है? गाइस काला पत्थर से खरीदा था इसने, ये उदा पत्थर. आदमियों के चेना नहीं पहनते जैन, अब तुम्हारे बोले थे चेन वेन ले लेके आओ, ये पहन सकते क्या? अरे भाई तुम्हारे एक्सेसरी तुम किसको पहनते ना, कैसे गुजरा फिर? अब मेरे मेरे वीडियो के आस्ते चुना, मेरा इस प्रोडक्शन है. अच्छा देना पड़ता. कल शॉर्ट्स की शुरुआत हो गई अपने चैनल पे. हाँ नहीं कल क्या हुआ, एक कौन सा की यूट्यूब चैनल खोला हुआ है मैं रैंडम देख रहा था तो. हाँ तो उसमें क्या हुआ, पहले कैसा होता था चैनल पे शॉर्ट्स भी है साथ में वीडियो भी है. तो शॉर्ट्स का टैब अलग कर दिया उन्हें. अरे तो उससे एस्थेटिक्स खराब नहीं हो रहे, बोल के मैं शॉर्ट्स शुरू कर लिया. अब शॉर्ट्स का अलग टैब है, वीडियोज का अलग टैब है. तो स्टार्ट हो गया, अब दबा के चार चार रीला डालना. बाला ऐसा करी तो मैं भी यूज करा तो जैन, थोड़े दिन में अपन भी साथ करेंगे ऐसा वाला. और 6 महीने छोड़ा तो तीन दोनों एयर फ्लिप एक साथ. हाँ फिर बोल हम ना पूछते भैया क्या हुआ भैया, कहीं कोई देर हुई वो तो हटबात को देर हो गई, हटबात लेना आ रहा था. ब्रो कैसे दिख रहे मान हम लोग बॉयज अपने डेट पे जाते थे तो रेडी हो गया आखिरी खतरनाक शूज वूज पहन के. सॉरी तो गाइस हम लोग यहाँ निकल गए हैं सफर पे, रोड ट्रिप पति पत्नी की, लेकिन पति है पीछे बैठा हुआ. सफर खूबसूरत है मंजिल से जो बोलते हैं. हाँ. लेकिन आज वो गलत होने वाला है क्योंकि सफर में पूरा शूट थकान होने वाली है, तो हम लोग मंजिल का इंतजार है कर रहे हैं. ये सीन होने वाला है आज. अबरार भाई की गाड़ी इसीलिए चूज करे क्योंकि क्या है मालूम, मुकेश अंबानी की गाड़ी में सनरूफ है भाई, अनिल अंबानी की गाड़ी में सनरूफ नहीं है. तो उन्होंने क्या बोला, मैं सील करा दिया जी. अच्छा सील सील करा दिया है सनरूफ, मैं सील करा दिया सीमेंट मार के मठार के. हां हां सनरूफ में इतने अच्छे दिखने वाले हैं. यस अभी खोल देंगे. ओह वाओ क्या दिख रहा है, वाओ ऐसा दिख रहा मालूम भाई. प्रियंका चोपड़ा जबरदस्ती निक जोनस को लाके रोड पे गाड़ी चला, मियां गाड़ी चला, जोन्स गाड़ी चलाओ बेबी बोल के बोल रही तो अब जबरदस्ती गाड़ी चला. आई एम मैरी यू प्रियंका. पे निकले तो मैंडेटरी चीजा क्या होते बाहर, तुम क्या क्या करते? ऑनेस्ट बोलना भाई, झूठ झूठ नहीं बोलना. सुसु ब्रेक, एक सिर्फ सुसु ब्रेक के अलावा भाई ब्रेक नहीं लेते कुछ. क्या बात है, खाली 1-2 week ही रहता, 12 घंटे की गोवा जाना है, 8 घंटे बैंगलोर जाना है. सफर पे निकल चुके हैं हम लोग, लेकिन हैदराबाद का सफर कैसा रहता है मालूम ना, जब तक SUFFER नहीं हुए आप, जब तक आपका सफर शुरू नहीं होता. मैं देखो ज्यादा रोड ट्रिप्स करती हूँ नहीं क्योंकि मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था. एक बार जब मैं फर्स्ट टाइम रोड ट्रिप करी थी तो मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद से मैं रोड ट्रिप्स प्रेफर नहीं करती हूँ. अब ज्यादा गए भी तो हैदराबाद से 150 किलोमीटर कुछ रहा तो चले जाते हैं. हाँ उसके बीच में हम तुम लोगों के जैसा सुसु ब्रेक ये वो नहीं रहता. तुम लोगों को 50 बार कैसा जाना रहता कि वॉशरूम, आई डोंट अंडरस्टैंड. हाय हाउ आर यू गाइस, ये मेरे मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंड्स हैं, इतने केयरिंग है जो अंदर बैठे हुए. उन्होंने मेरे को लास्ट टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस दिए थे, हाय बोले तो इस बार भी देते. जब तक हम ना कोई चीज भूले नहीं वो होता नहीं. ऑफिस आ गए हम ना, माइक थे लेपल और इसी के साथ 3-4 दिन से हम लोग की ऑफिस की लिफ्ट क्या हुआ, इट्स नॉट वर्किंग. अरे उन्हें बोला चल रही बोल के उन्हें क्या. और गाइस एज यूजुअल हम लोग की लिफ्ट ऑफिस की अभी भी नहीं चल रही, 5th floor ऊपर चढ़ के जाना है 5 फ्लोर. अब देखेंगे अब हम ना ऊपर जाते नहीं जाते. अगर ये वीडियो में ऑडियो अच्छा नहीं रहा तो बिकॉज हमारी लिफ्ट खराब है, वायरलेस माइक ऊपर है, तो दैट्स व्हाई हम ऊपर नहीं जाएंगे. 5th floor पे है, 5th floor चढ़ने का ऐसे आदमी रो रहा. अब वो बोल रहा ऑडियो खराब है तो फिटनेस गाई हिम्मत करे है. खा ले के जो यारो हजम होता आगे खा सो भूख लगती ठीक है. राउंड 2 हो रहा है 5th floor पे जाने का. भाई माइक ला लिया लेकिन रिसीवर नहीं लाए. अबे बगैर हुई बात अगर कुछ मिस हो गया तो मैं जाता हूँ.
गाइस इसलिए जो है फिटनेस में नहीं रहना, फिटनेस में रहता तो ऐसे काम करना पड़ता है। ओ सेक्सी आ रहा रंग दे तुम ओए मेहरबान बल्कि आज और दो दो कैमरे सेटअप रेडी एक्शन के रहता वाटरफॉल पूरा एडवेंचर बनना है अपने एकदम बेयर ग्रिल्स। अरे हाथ भी आ रहा ऐसा डरे तो कैसा होता है। डरे वो लेते हैं शॉट में आना बाबू ना कहाँ से आ रहे हो इधर से आ रहे हाँ किधर है वहाँ पे है क्या देख क्या रहो हाथ दियो कहाँ है वहाँ पे जगह क्या है मैं इंदी नी बेरू आओ नी बेरू ऐसा 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 करो थग्गा दे ले हाँ ठीक है बाय बाय थैंक यू। जो स्क्रिप्ट में लिखे हुआ था अपलान वो कर दिए, अपलान को अपनी मनमानी चलाना है। मन मर्जी कर लो बस कपड़े ना खोता लो। मैं हमेशा कैसा रहता हूँ स्क्रिप्ट तो रहती चलती हुई स्क्रिप्ट है सो भी उसमें एक बला के चेंजेस कर देते अपन उसके बाद स्पॉट पे कुछ तो भी आता शॉटा वॉटा तो जब लिए तो बहुत मजा आता। सही भी और बाहर के लोकेशन में तो और फ्रेम छोड़ देते अपन क्या कैसे दिख रहा मस्त। Well, that's it guys, वीडियो खत्म हो गया और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं। अबू पलान को बाय बोलने आए थे। चलो भाई कौन सी राह पे जा रहे हो भाई। हर राह में तू आए नजर कटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर हो हर राह में तू आए नजर कटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर हो वो दूरी दूरी सही जाए ना सही जाए ना सही जाए ना।